Assalamu alaikum guys, this is Ayan Khan and you're watching me on channel Ayan Khan. I'm back again with a brand new vlog. Hope so. तो आज सुबह 9:30 के करीब जब मैं चाय पीकर दुकान से गुजर रहा था तो मेरे दिमाग में एक छोटा सा ख्याल गुजरा कि क्यों ना मैं खुद इस दुनिया से गुजर जाने से पहले जो हर साल गुजरता हुआ मेला आता है, ऑर्गेनाइज होता है, मतलब हमारे बांसी में, हमारे होम टाउन में माघ मेला उर्फ नुमाइश उर्फ एग्जीबिशन हर साल ऑर्गेनाइज होता है, क्यों ना मैं उसको अपने व्लॉग में शूट करके आप लोगों को दिखाऊं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने पहले किया हुआ है, बट मैं सोचा मैं भी करता हूं। मतलब अचानक से ख्याल आया, मैंने पहले कोई प्लान नहीं किया हुआ था, तो सुबह सुबह का वक्त था, अभी लग रहा है अभी अच्छे से लगा हुआ नहीं है, बट मैं 2 दिन बाद यहाँ पर रहूँगा नहीं, तो मैं सोचा क्यों ना जाते जाते शूट करके दिखा देता हूँ कैसा रहता है। और आपको याद नहीं होगा वैसे, बट मैंने बहुत पुरानी आज से 1.5 साल पहले जो मैंने एक व्लॉग शूट किया हुआ था उसमें मैं पूरा होम टाउन जो है अपना दिखा रहा था, उसमें मैंने बोला एक जगह भी दिखाई थी कि ये जो बांसी का एग्जीबिशन ग्राउंड है और ये है बांसी का एग्जीबिशन ग्राउंड, अलीगढ़ की तरह सेम टू सेम डिट्टो है, बस उससे साइज में छोटा है। तो फिर वहाँ से मुझे याद भी आया कि हाँ मैंने इसका तो रेफरेंस भी दिया हुआ था। तो अभी इनिशियल स्टेज पे, मतलब अभी स्टॉल वगैरह लगे हुए नहीं है, शॉप्स पूरी ओपन नहीं हुई है, इनॉग्रेशन भी शायद अभी उसका नहीं हुआ। मैंने कुछ क्लिप्स शूट की और मेरे पास कुछ अलीगढ़ के नुमाइश की भी क्लिप्स हैं, उनको साइड बाय साइड रख के कंपेयर करके मैं सोचा कि एक छोटा सा व्लॉग बनाकर आपके सामने दिखाता हूँ। होप सो आपको ये पसंद आए। और बाय द वे, अलीगढ़ का एग्जीबिशन जो है और बांसी के एग्जीबिशन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो ये है आपके सामने बांसी के माघ मेले का एंट्रेंस। यहाँ अगल बगल आपको खजले की बहुत सारी दुकानें दिख रही होंगी जो कि बहुत ही फेमस है ऑल ओवर सिद्धार्थनगर। अलीगढ़ में भी सेम टू सेम वैसी बाहरी दुकानें मिलेंगी आपको खजले के लिए। ये आपके सामने बांसी के माघ मेले का मेन गेट जहाँ से अंदर घुसते हैं, और यहीं पे आपके सामने है अलीगढ़ के नुमाइश का मेन गेट। आपको देख के लग रहा होगा स्ट्रक्चर अलग अलग है बट एक जैसा लगता है दोनों देखकर। अब मैं आपको बांसी के माघ मेले के अंदर लेकर जाता हूँ और आपको स्टॉल्स दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत ही अलग अलग चीज़ों के स्टॉल्स लगते हैं, खिलौने के, कॉस्मेटिक्स के, बड़ों के सामान के, कपड़ों के, शूज़ की, हर चीज़ की स्टॉल्स यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। बस आप अलग अलग स्टॉल्स को गिनते जाइए, अभी ये चूड़ियों की हैं, फिर आगे कुछ देर बाद पता नहीं किसकी होंगी, मुझे भी नहीं पता। हर माल 10 रुपये जो आगे लिखा रहता, सेम बोर्ड में अलीगढ़ में भी दिखता था वो, आज बांसी में भी मुझे दिखा। मैं शॉक हो गया, मैं कहा ये क्या भाई, है तो कार्बन कॉपी है। यहाँ पर आपको हर बड़े बड़े ब्रांड्स के सब्स्टिट्यूट मिलेंगे, जैसे कि जारा के जगह हारा, गुची के जगह लूची, एडिडास की जगह गंदी बास और नाइकी की जगह साइकी। जी बांसी के मेले में आपको राजा बाबू का शीशा भी मिल जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, इस खतरनाक जगह पर आप अपने बच्चों को बिल्कुल मत लेकर आइएगा, वरना ये खिलौने खरीदने के लिए आपको जो बैंक से लोन लेना पड़ेगा ना, उसको आप जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। दूसरी चीज जंक फूड, जो फास्ट फूड जंक फूड जो भी बोल रहे हैं, वो बहुत मिलता रहता है मेलों में। हैदराबादी बिरयानी इसके स्टॉल लगते हैं, मुरादाबादी बिरयानी और पता नहीं क्या अलग अलग चीज़ें, वो वहाँ पे भी लगता है, अलीगढ़ में भी, यहाँ बांसी में भी लगता है। आदर्श नृत्य कला, ये बहुत बड़ी आयरनी है, इसका नाम सिर्फ आदर्श है मगर अंदर आदर्श वाले एक भी काम नहीं होते। ये है अपना बांसी का सम्राट थिएटर, यहाँ पे आए मुझे नहीं पता, कोई शायद कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, मुझे नहीं पता, मैं कभी गया नहीं हूँ, अल्लाह हू आलम। और ये है बांसी का सबसे फेमस मौत का कुआं, जो कि अलीगढ़ में भी आपको मिल जाएगा मगर मैं यहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ। और हाँ, ये मौत के कुएं की सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान बिल्कुल मत भटकाइएगा, जैसे मैं फिलहाल फ़ोन में भटका रहा हूँ, मगर आपका अगर ध्यान भटका ना तो आपकी जान ना जाए पता नहीं, मगर आपका फ़ोन ज़रूर जाएगा। पीछे आप देख सकते हो मौत का कुआं है, हालांकि मैं यहाँ पर परमिशन लेकर आया हूँ, ऐसा नहीं कि चढ़ के आ गया हूँ, बहुत अच्छे थे भाई, उन्होंने परमिशन दी था कि जाओ आप जाकर ऊपर शूट कर लो, मैंने उनको बताया कि मैं काम करता रहता हूँ ऐसा। बिहाइंड मी यू कैन सी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैओस। Now it's time to go down. बहुत वक्त लग चुका है। बस मौत के कुएं से उतरते ही आपको बगल में मिल जाएगा सर्कस वाला, और उसके थोड़ा सा आगे आप चलकर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा जादूगर। जी हाँ, ये PKOP पता नहीं कौन से शर्मा रहते हैं, मुझे तो नाम भी नहीं याद रहता भैया, बड़े नाम हैं इनके। और
और सबसे आखिर में आपको मिलेगा ये तंबू बंबू, जहां पर आपको कोविड हेल्प डेस्क मिलेगा और उसी के पीछे आपको मिल जाएंगे स्टैंड्स जहां पर आप अपनी गाड़ियों को और साइकिलों को खड़ा कर सकते हैं। तो बस यहीं पर मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूं और आपसे बताना चाहता हूं कि बांसी और अलीगढ़ दोनों जगह का एग्जीबिशन अपने अपने जगह पर परफेक्ट है। अब ये है कि अलीगढ़ में जो है एमयू है वहां पर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसकी वजह से वहां पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती रहती हैं, स्टूडेंट्स नई नई चीजें परफॉर्म करते हैं, एजुकेशनल चीजें होती हैं, जिसकी वजह से वो और अलग बन जाता है, थोड़ा और अच्छा बन जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो अलीगढ़ के नुमाइश में मिलती है वो बांसी में नहीं मिलती, वो है ये ऊँट की सवारी। अरे नहीं मिलती भाई यहाँ पर। आप मेले में आ सकते हो, विज़िट कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। बट नज़रों का और अपने नफ्स को कंट्रोल में करके ही जाइएगा, क्योंकि वहाँ बड़े फितने हैं। बाकी आप खुद बेहतर जानते हैं आप कैसे क्या करना है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एन खान, और इंशाल्लाह मैं कुछ कुछ दिन में व्लॉग्स करने की कोशिश करूँगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो और मैं जिंदा बचा तो। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हयातुद्दुनिया।